जिंदगी बार बार मौका नहीं देती दोस्त। सपने देखना बहुत आसान है। रात को सोते हुए अगर आप सोचते हो कि मैं रेलवे में टीटी बनूंगा, मैं यूपी पुलिस में दरोगा बनूंगा, मैं सीबीआई ज्वाइन करूंगा, मैं रॉ में जाऊंगा, मैं सीजीएल निकालूंगा, ये बहुत आसान है सोचना। आप रोज सोचते होंगे और हर बार सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी सोचने के बाद आप भूल जाते हैं कि आपने क्या सोचा था, आपको क्या करना है। आप जब आराम की स्थिति में होते हैं, बहुत आराम फरमाते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं, बहुत खेल कूद करते हैं, मूवी देखते हैं, माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, लेकिन जब ये चीज़ आपको दोबारा देखने को मिलती है, चाहे आउटर वर्ल्ड में, चाहे आपके घर में, या आपके माता पिता आपको बोलते हैं, या आपके परिवार में कोई पारिवारिक आदमी घर में आके बोलता है कि आपका लड़का क्या कर रहा है, तब आपके माँ बाप बोलते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और तब आपको याद आता है कि यार अब पढ़ना चाहिए, और फिर आप सोचते हो इस बार मैं इस नौकरी की तैयारी करूँगा, इस बार मैं इस नौकरी की तैयारी करूँगा। ये समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ है, तुम्हारे साथ भी होगी। लेकिन पढ़ने के लिए उत्साह, मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए, और वो आपको रोज आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है। जब आपके पीछे डंडा पड़ता है, डंडे का मतलब है जब आपके ऊपर बहुत सारी समस्या आती है, तब आपको याद आता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, सरकारी नौकरी लेनी चाहिए। लेकिन जब आप आनंद की स्थिति में होते हो, तब वो कहाँ जाता है, तब वो पोस्ट कहाँ चली जाती है। आप हमेशा पोस्टों को बदलते हो। आज सो के उठा तो सोचे कि मैं रेलवे में जाऊँगा, कल सो के उठे तो सोचे कि मैं पुलिस बनूंगा, परसों सो के उठोगे तो सोचोगे मैं ये बन जाऊँ। यार रोज अगर अपने गोल को चेंज करोगे पर एक डायरेक्शन में नहीं जाओगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये समय रेत की तरह फिसल जाएगा हाथों से। हाथ में कभी रेत रख के देखना, जितना तेज आप दबाओगे उतना तेजी से वो रेत निकलता है। और ये समय भी है, आज आपको मज़ा आ रहा है, आज आपको आनंद आ रहा है, क्योंकि आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, चलाने के लिए यूट्यूब है, खाने के लिए भोजन है, देखने के लिए माँ बाप हैं, सब कुछ है। लेकिन कल जब ये समय बीतेगा, जब आपके माँ बाप आपकी ओर देखेंगे कि बेटा इन 2 सालों में, इन 3 सालों में तुमने क्या किया, हमने तो अपनी तरफ से पूरा मेहनत किया था, जितने पैसे बोले उतने पैसे दिए, जो हो सका वो किया, लेकिन तुमने क्या किया, क्या तुम हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे, तब तुम उस समय क्या जवाब दोगे कि नहीं पिताजी मुझे 1 साल और दीजिए। लेकिन तुम्हारी आदत बिगड़ चुकी हो, तुम्हें 1 साल क्या, तुम्हें वो 10 साल भी दे देंगे तब भी तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा उत्साह रोज चेंज हो जाता है। सफलता, सरकारी नौकरी उसी को मिलती है जो एक पोस्ट के पीछे भागता है, ना कि किसी नौकरी के पीछे भागता है।